नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल वर्जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड राशन कार्ड को लेकर यहां पर EKYC सत्यापन किया जाएगा। बड़ी खबर आप सभी के लिए हम बताते हैं, विभाग ने उपभोक्ताकर्ताओं को अब इसके लिए 15 जुलाई की डेट बढ़ा दी गई है। यहाँ पर KYC नहीं करने पर आपका राशन कार्ड हो जाएगा निरस्त, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी राज्यों के लिए यहाँ पर दोस्तों जो EKYC है वो यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर उत्तराखंड पे भी दोस्तों आप सभी को राशन कार्ड पे EKYC करना होगा। EKYC का मतलब होता है दोस्तों सत्यापन। सत्यापन अभी नहीं हुआ है तो आप लोग सभी सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन कार्ड धारकों की सूची संबंधित क्षेत्र में उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध करा दी गई है, जिन्हें बताया गया राशन कार्ड धारक अपने उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर संपर्क कर बिना KYC सत्यापन वाले राशन कार्ड धारकों अपने राशन कार्ड की KYC सत्यापन हेतु तो अपने आवश्यक दस्तावेज समस्त दस्तावेजों के आधार की छाया प्रति, महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, महिला मुखिया के बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षण कार्यालय में 15 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से जमा करवाते हुए राशन कार्ड की KYC कर लें। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की KYC सत्यापन नहीं होने पर राशन कार्ड निरस्त हो जाने की दिशा में संपूर्ण उत्तरदायी आप स्वयं रहेंगे। बड़ी खबर आप सभी के लिए। दोस्तों आप सभी को हम बताते हैं, राशन कार्ड है बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप लोगों के पास भी राशन कार्ड है तो आप लोग EKYC कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट जारी कर दी गई है और इसमें ये दस्तावेज आप सभी को लगा लेने हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग KYC सत्यापन नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड हो जाएगा बंद। यहाँ पे सभी जिलों में दोस्तों ये अपडेट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों आप सभी अपनी KYC कंप्लीट कर लें। किसी प्रकार से अपन चाहे तक रे हमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे और अपने जहाँ पर आप लोग राशन लेते हैं उन दुकान में भी संपर्क कर सकते हैं, KYC के बारे में उनसे संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का। थैंक यू।